वो मीठा करे। पता है अबू, आज मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी है। सब आप दोनों देखना, हमारे मसले भाप बन के उड़ जाएंगे। अबू, इंसान को तो बस एक दर चाहिए होता है जहां से वो अपनी मेहनत का आगाज करे, और वो दर मुझे मिल गया है अबू। बस अब आप देखना मैं कितनी मेहनत करूंगी, ना दिन देखूंगी और ना रात। और आप ही तो कहते हैं कि मेहनती इंसान का दोस्त अल्लाह होता है। बस देखना वो मेरा हाथ कैसे पकड़ेगा, और जिस दिन वो मेरा हाथ पकड़ेगा ना, देखना हमारे दिन फिर जाएंगे। अम्मी अब इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी बेटा, 35 साल के हो गए हो तुम। अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो मैं शादी से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लेता हूँ। तुम्हारी रजामंदी भी इनकार के बराबर ही है बेटा। अब तुम खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढ कर कहाँ से लेकर। देखिए अब ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, सारी माओ की तरह ही आपका ही काम है। अच्छा देखो, एक काम करो मेरा, वहाँ कराची में कोई अच्छी सी लड़की देख के पसंद कर लो। नहीं अम्मी, मुझे मुनासिब नहीं लगता। किसी के घर की बेटियां होती हैं, मैं कैसे? अगर तुम्हारी शराफत का यही आलम रहा ना, तो बस कुंवारे ही बैठे रह जाओगे तुम। बस ये तो आप जानती हैं कि शराफत मेरी कमजोरी है। अरे बेटा, जमाना बदल गया है अब। आजकल तो लड़कों का ये आलम है के घर आते हैं किसी लड़की को लेकर, कहते हैं ये मेरी बीवी है, इससे मिलिए, मैंने निकाह कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जानती हैं मैं कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो अपने घर वालों को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। जो लड़की आज अपने घर वालों को छोड़ सकती है, वो तो कल मुझे भी छोड़ सकती है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं ये ढूंढ लूंगी तुम्हारी लिए लड़की, लेकिन जब मैं लड़की ढूंढ लूंगी तुम कोई आनाकानी नहीं करोगे मेरे साथ, समझ गए ना? मेरी ये मजाल, बस अपनी लड़की शरीफ, घरेलू और अच्छी होनी चाहिए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। अस्सलाम वालेकुम। हयादार, पर्देदार, प्योर घरेलू मटेरियल। क्या हुआ अबू, मेरी नौकरी मिलने पर आपको खुशी नहीं हुई? हाँ? तो आप इतने परेशान क्यों हो गए? बस बेटी, अपनी किस्मत को देखकर परेशान। जहां बेटी के हाथ पीले करके मिठाई बांटने थी, हम बेटी की नौकरी को देखकर मिठाई इसका परेशान कर। अबू, इस वक्त मेरे हाथ पीले होने से ज्यादा अहम आपका इलाज है, बस आप ठीक हो जाए फिर अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। मरियम, 30,000 रुपए कुछ ज्यादा तनख्वाह नहीं? पर इदारा भी तो बड़ा है मम्मी। तुम्हारे बाप के इलाज और घर की परेशानी ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने देती। और क्या करूं, मजबूर हूं, और मजबूरी वो जालिम बला है जो इंसान से वो कुछ करवा लेती है जो वो नहीं करना चाहता। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और अब्बू, कुछ का बहुत अच्छी है, और सर आलम तो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। बेटा, पहली मुलाकात में किसी भी इंसान को परखा नहीं जा सकता,
बेटा वो तुम्हारे दफ्तर में लड़कियां भी काम करती हैं क्या? जी अबू। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं, सब अच्छा है वहां पे। बेटी जब गरीब की बेटी घर से बाहर निकलती है तो दिल धड़ धड़ करने लगे। आप लोग ये वहम अपने दिल से निकाल दें, मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस नौकरी पर जमी रहूं। जीते रहा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे लगे। अबू, हमें भी पानी ला। जाने आलम। ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? आहिस्ता आहिस्ता बात करो, मेरा ऑफिस तुम्हारा घर नहीं है, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। चलो। कोई तमाशा करने नहीं आई, अपने सवाल का जवाब लेने आई हूँ कि मुझसे कब शादी करोगे। तुम जाओ, मैं रात में आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं नहीं घर जाऊंगी, मुझे मेरी बात का जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। तुम्हें कैसे समझाऊं नूर साहब, समझती नहीं हो तुम। सुबह मैं ये नहीं चाहता कि इस ऑफिस में किसी के कानों में भी ये बात पहुंचे। अपने लिए नहीं बोल रही बात, मैं मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। आई रियली लव यू। कोई तुम पर उंगली उठाएगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तुम घर जाओ, मैं रात में आता हूँ, सुकून से बात करेंगे, कोई हल निकालेंगे आज। ऐसे इंसान हो ना तुम, हल में कुछ और पल में कुछ। रोमांस करने पे आओ तो अगले को अपना आशिक बना दो। अजनबियत दिखाने पे आओ तो अगला इस मुगालते में ही रह जाए कि कभी तुमसे मिला भी था या नहीं। परेशान नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, सबके सामने बिखर कर खुद का तमाशा नहीं बनवा। रात को